हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मेरा डेली का रूटीन है, गर्म पानी पिया एक चम्मच घी के साथ और अब हम निकल रहे हैं हमारी फर्स्ट वॉक के लिए। 1 घंटे के लिए चलेंगे फॉर 5 किलोमीटर्स और उसके बाद आज हमारे मंदिर के बहुत सारे कार्यक्रम और सब चीज़ें चालू होने वाली हैं तो उसमें भी मैं आपको जोड़े रखूँगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। हमारा मंदिर है और ऐसी तैयारी हो चुकी है फाइनल और अच्छे से मैं आपको दोपहर को ही दिखा पाऊँगी या तो सुबह। अभी उजाला हुआ नहीं है तो इतना अच्छे से दिखेगा नहीं, लेकिन ये थोड़े थोड़े ग्लिम्स देख लो, बाद में डिटेल में दिखाती हूँ मैं आपको। पूरी एंट्री गेट तक ऐसे ही सजाया हुआ है, बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है तो ये हर जगह ऐसे ऊपर बांध दिया है क्योंकि गर्मी कच की भैया सहन शक्ति के बाहर है। ऐसा है ये हमारा मंदिर, हमारे गुरुजी का। जय अधोराम। पूरा का पूरा लाइटें नहीं है, उजाला होगा तो मजा आएगी। सुबह हो चुकी है, सुबह तो पहले ही हो चुके थे, सवेरा अब हो चुका है। अभी बज रहे से उग चुका है, हमारे कच्छी में बोलते हैं सूरज उगने को। 6:18 हो रही है और हम लोग चल चल के रोड पे ही आए। पहले अंधेरा था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी जा रही हैं क्योंकि सीधी सी बात है गाँव में गार्डन्स तो नहीं होंगे क्योंकि गाँव ही गार्डन है। अगर आप ऐसे देखा जाए तो नेचर का गार्डन गांव ही होता है। अगर आप गांव में आओ तो आपकी हेल्थ भी सुधर जाती है और हर 4-5-6 महीने में एक बार 6 दिन के लिए, 1 महीने के 1 दिन के हिसाब से गांव आओ, रुको तो तबीयत भी आपकी सही हो जाएगी। अब हम पहुंचते हैं, हम आज से चलने, आज कुछ ज़्यादा चलने वाले, ऐसे मैं 5 किलोमीटर चलती हूँ, घर जाके फ्रेश होंगे, नारियल पानी पियेंगे, दादा दादी को मिलेंगे, आपको भी दिखाऊंगी मैं, और फिर जाएंगे मंदिर दर्शन करने। आज मंगलवार है तो हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। 2 hours later बस अब हम हमारे गांव के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। ये हमारे गांव का बोर्ड आता है क्योंकि हमारे यहां उद्धव राम जी का मंदिर फेमस है, जो हमारे गुरु जी हैं, और हमारे गाँव का नाम है जखो। तो कभी अगर ये साइड आना हो रहा है तो हमारे गाँव पर ज़रूर पधारिएगा, प्यार भरा स्वागत करेंगे हम हमारा। बस अब अंदर यहाँ से एंट्री लेंगे और घर निकलते हैं क्योंकि अभी हमने चल लिया है 5 किलोमीटर, 60 मिनट्स हो चुकी है और अभी और 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है। मिलते हैं, 1.5 किलोमीटर और बाकी है। यहाँ से हम दादा दादी के पास जाएंगे, आपको भी मिलवाते हैं हमारे दादा दादी से। यस मजा आई नहीं? का एक बेनिफिट मैं आपको बताऊं क्या है सुबह चलने का, यही कि आपको गर्मी नहीं होती पूरा दिन, फर्स्ट। सेकंड, आपकी बॉडी इतना लाइट फील करती है कि आप कुछ भी, मतलब कुछ भी कर रहे हो तो थकान नहीं लगती है और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, थर्ड बेनिफिट और सबसे मेन बेनिफिट। तो चलो जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वेट नहीं है तो तुम नहीं चलोगे, वेट हो ना हो अपनी बॉडी को रूटीन में रखो, एक चलो अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं तो लोगों को लगेगा खुद कर रहे हैं और हमें भी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमसे कुछ क्या मुफ्त का ज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं है। यही चीज़ अगर आप कहीं जाओगे डाइटिशियन के पास, जिम ट्रेनर के पास, जो भी आपका पर्सनल ट्रेनर होगा वो भी यही बोलने वाला, बस ये फ़र्क है कि वो पैसा लेगा। मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, बात तो सही है। ले लो, किसी से अच्छी चीज़ ले सकते हो तो ले लो, अच्छी है। हेल्थ टिप्स तो मैं तो बोलती हूँ हर सबसे लेनी चाहिए। ओह माय गॉड, ये हमारा घर है, इतने सालों से मेरे दादा दादी यहीं पे रह रहे हैं। दादी का रिएक्शन लेते हो, जय उद्धव राम भाई, जय उद्धव राम, जय उद्धव राम, जय
क्या है ओगड़ा भी ऐसे भाई घर चाची न लगी गार्डन में झाकी रही हूँ गार्डन में फेरी 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 झाकी रही हूँ गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, यश को बताऊंगी बोलूंगी कि कैसा कैसे दिख रही हूँ, बताना मुझे। अभी हमारे यहाँ ये ढोल वाले सब आए, मंदिर पे जा रही हूँ फिलहाल तो दर्शन करने के लिए। ये यश और मैंने इंडियन पहना है, बोलती हूँ रुको यश को दिखाने के लिए कैसी लग रही हूँ बताना। हमने हमारे गुरुदेव के तो दर्शन कर लिए, लोगों से पता ही चल रहा है कोई के मुझे इतना पसंद है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, आज मंगलवार है तो वहाँ जाते हैं। और मंदिर पे जाए बिना मैं पानी तो पीती हूँ, क्योंकि सुबह नारियल पानी का सुबह टाइम होता है तो वो मैंने पी लिया था, लेकिन मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो मंदिर पर दर्शन करते हैं, उसके बाद कुछ नाश्ता करेंगे। हाँ हाँ खाई भाई बाई है, बस हाँ ठीक है पेट शादी वाले प्रसाद थी तो देखो प्रसाद तो चलती है, क्योंकि जब कोई प्रसाद दे तो उसको मना नहीं करना चाहिए, भले तुम्हारा उपवास भी हो इतना तो इतना उससे कब, क्योंकि प्रसाद से कभी उपवास नहीं टूटता है। 2 hours later ऊपर देखो बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं फिर से मंदिर, फॉर्म रेडी हो क्या भाई, ये दिखाती हूँ मिलवाती हूँ आपको फॉर्म से। ऋषि ये ऋषि अब आइए, ये बहुत लेट उठी थी। और बाकी मैं कैसी लग रही हूँ बता देना मुझे कमेंट करके, वहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। और मिलते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, अभी किसी ने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 11। गणपति माता मोरिया पतामं वक्रतुंडं एकदंडं द्वितीयतां तृतीयं वृषणपिंगाक्षायां वाशसि प्रतिग्रहीयनां वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं मह हरिहियां मह यज्ञोपवीतां परमां पवितरां प्रजापते।
जस्ट हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ है और बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। कल तो पता नहीं हम कैसे बैठ पाएंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी पब्लिक कम है, शाम तक पब्लिक आ जाएगी, कल बहुत ही भीड़ होने वाली है। तो अब हम जो शायद जाएंगे खाना खाने, फिर देखते हैं क्या होता है। गर्मी इतनी है ना, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। क्या बोलते हैं जी? सच बात, सच बात।